हाय ऑल, सो श्रीभूमि जाने के लिए आपको हर जगह से ट्रांसपोर्ट अवेलेबल मिल जाएंगे। सो मैं हावड़ा में रहती हूँ, तो मैं हावड़ा से बस ली थी। ये आपको दिख रहा होगा L238। तो मैं इस बस से गई थी और लेक टाउन उतरी थी। हावड़ा से लेक टाउन का फेयर है 15 रुपीज़। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो मैं अभी हूँ लेक टाउन में। यहाँ पे आप क्लॉक टावर देख सकते हैं। सो अभी मैं आ जाई हूँ यहाँ पे श्रीभूमि पंडाल देखने के लिए। इस एंड तक वीडियो देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आज मैं पूरा एथनिक में हूँ क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का टाइम है, तो पूरा एथनिक एथनिक है। तो और हाँ, यहाँ पे जो है दुर्गा पूजा के टाइम में जो मेन श्रीभूमि का गेट है वो बंद कर दिया गया है। तो आप लोगों को यहाँ पे लेक टाउन के यहाँ पे उतरना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये जो यहाँ पे पास लगा हुआ है उसके ऊपर से फिर जाना पड़ेगा, तो ही आप जा पाइएगा। क्योंकि वो गेट बंद है तो वहाँ से आप जा नहीं सकते। अगर आप लेक टाउन उतरते हैं तो आपको इस रास्ते से जाना पड़ेगा। मैं नवरात्रि के सेकेंड डे गई थी तो ही बहुत ज़्यादा भीड़ था, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये मेन गेट का रास्ता बंद है, तो देखिए यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। आपको श्रीभूमि जाने के लिए लेक टाउन उतरना पड़ेगा या श्रीभूमि का जो गेट है उसकी और पहले उतरना पड़ेगा। तो चलिए श्रीभूमि के अंदर चलते हैं। इस बार श्रीभूमि में वेटिकन सिटी बनाया गया है और इस बार पंडाल के अंदर भी जाने दिया जा रहा है। और 2021 में आप लोगों को पता ही होगा कि कोरोना चल रहा था, तो कोलकाता में पूजा इतने अच्छे से हो नहीं पाया था। तो इस बार यहाँ पे पंडाल के अंदर भी एंट्री मिल रहा है। तो इसके पिछले साल यहाँ पर बुर्ज खलीफा बनाया गया था, तो पंडाल के अंदर तो अलाउ नहीं था जाने को किसी को, लेकिन इस बार से पंडाल के अंदर भी अलाउ किया जा रहा है। सो ये सब डिटेलिंग सा कितने अच्छे से यहाँ पे मतलब बनाया गया है आप देख सकते हैं। अंदर से देखने से तो एकदम रियल टाइप में लग रहा था। यहाँ पे आप डिटेलिंग्स देख सकते हैं कितने अच्छे से किया हुआ है, और यहाँ पे जो पेंटिंग्स वगैरह भी है वो भी कितने अच्छे से किया हुआ है। यहाँ पे मेनली जीसस क्राइस्ट का पूरा पेंटिंग है जैसा दिख के आप देख सकते हैं, देखिए। और हाँ, यहाँ पे एक झूमर भी था बहुत बड़ा सा, वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। बाहर निकलने के बाद आपको ऐसा व्यू मिलेगा। और हाँ, बाहर भी छोटे छोटे यहाँ पर झूमर लगे हुए थे, वो भी बहुत सुंदर लग रहे थे। पूजा घूमने जाएं और आपको फूड का स्टॉल दिखे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मुझे भी कॉटन कैंडी यहाँ पे दिखा तो मैं वो ली थी और भी बहुत कुछ खाई थी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।